काम है कि क्या करूं। ऊपर से ये देखो, अंगूर भी लिया, उसमें भी आधे सड़े हुए निकल गए। अब क्या करूं, आजकल कोई भलाई का जमाना ही नहीं है। सड़ा हुआ अंगूर दे दिया, चिपका दिया मुझे। अरे कुछ अच्छे निकले हैं, वही खा रही हूं मैं। आज आप बताओ जी। अरे अब भी लो खा खा जी। बस 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 रहने दो। नहीं नहीं बस बस, मैं इतना ही लूंगी। क्या कहोगे आप, आजकल मैंने भी कल परसों लिए थे, खराब निकले कुछ। आधे तो खराब निकले, आधे अच्छे निकले। जो खराब निकले फेंक दिए, और जो अच्छे निकले रख लिए। क्या करोगे, खाना तो है ही ना। तो सोचती हूँ डाइट वाइट जो करती है ना आजकल लड़की, डाइट वाइट वाइट मैं कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा वेट लूज करना चाहती हूँ, थोड़ी सी पतली होना चाहती हूँ। क्या अब ना दिखती हूँ? अरे वाह, ये सब ना वैसे डाइट का कमाल है। अब वैसे भी मैं पहले से तो थी मोटी बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा सा ये सब डाइट खा वाके थोड़ा सा ऐसा। अरे आपको मिसेज वर्मा के बारे में पता है? नहीं पता? कोई नहीं, मैं बताती हूँ। अपनी मिसेज वर्मा, आपको पता है वो होली है, होली में वो दिवाली की तैयारी कर रही है। वो कोई बीमारी है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ फेस्टिफोबिया। आपको नहीं पता? अच्छा जी, ये फेस्टिफोबिया क्या होता है जी? अरे वही जो कहते हैं ना, त्योहार कोई और तैयारी कोई और, वही करती है वो। अगर दिवाली है तो वो होली की तैयारी करती है, और होली है तो वो दिवाली की तैयारी करती है। तो ऐसा है उनका कुछ। आपको पता है वो होली में पूरे घर की सफाई कर रही है। माता रानी का शुक्र है भाई, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा जी, पर आपको कैसे पता? अरे मुझे नहीं पता रहेगा तो किसे पता रहेगा, मेरे बगल में ही तो रहती है। अरे आपको पता है, अरे वो अपनी नेहा, पता नहीं इतनी गोरी कैसे हो गई, पहले तो इतनी गोरी नहीं थी। जरूर उसने कुछ करवाया है। अच्छा हाँ, गोरी तो नहीं थी वो, आप सही कह रहे हो, जरूर कुछ करवाया होगा उसने। अच्छा जी ये पता, होली की तैयारी हो गई? वैसे आप भी कम नहीं हो, आप क्या लगाते हो अपने चेहरे पे? मैं आप भी ना, मैं कुछ नहीं लगाती, मैं कुछ भी नहीं लगाती अपने चेहरे पे। बस वही वो क्या बोलते हैं ना, विटामिन सी का टोनर, उसे मैं लगाती हूँ रोज सुबह। आपको पता है वो बोलते हैं क्या ना, एंटी एजिंग का काम करता है वो। आप भी लगाओ, 1 मिनट में आपको अब भी दिखाती हूँ। देखो जी देखो देखो देखो, ये विटामिन सी का टोनर, ये बोली का है इसमें क्या बोलते हैं ये, हाँ गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर है। बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अच्छा है, बहुत इसे लगाते हैं इसे। आप देखो, आप ही देखो, लो आप भी देखो। अच्छा तो ये है, अच्छा है जी, अच्छा है जी, मैं भी इसे ट्राई करूंगी, लगाऊंगी मैं भी इसे। वैटम क्या बोला आपने, विटामिन सी टोनर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरे को बहुत काम। अच्छा जी अच्छा जी, मैं भी चलती हूँ। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मेरे को भी बहुत काम है। ठीक है ठीक है, मैं ना इस बार होली में मेकअप बिल्कुल अलग तरीके का मेकअप करके जाऊंगी, एंड वो मेकअप सबसे अलग होगा, बहुत अच्छा। अच्छा तो तुम होली में मेकअप लगा के जाने वाली, पागल हो क्या? तुम्हारा एक भी मेकअप रहेगा अगर तुम होली में मेकअप लगा के गई तो? मस्करा तो लगा के जा ही सकती हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से अपने आईज पे लगा लूंगी, आई लैशेस पे, और मेरे आईज भी बहुत अच्छे दिखेंगे, तो मैं मस्करा जरूर लगा के जाऊंगी। तुम मस्करा लगा के जाने वाली हो होली में? वाटरप्रूफ हो तभी लगाना, वरना अगर वाटरप्रूफ नहीं हुआ मस्करा, फिर जो तुम्हारा हाल होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अगर नहीं पता तो याद कर लो पिछली बार की तरह, वो जो लड़की थी उसका क्या हाल हुआ था मस्करा लगाने के बाद। अगर आप भी कुछ ऐसा करने वाले हो, बहुत सारा मेकअप लगा के होली खेलने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जानिए कि कितना मेकअप लगाना है। मेकअप करिए, बिल्कुल करिए मेकअप, बट बिल्कुल लाइट सा मेकअप आपको करना है, बहुत ज्यादा हेवी मेकअप करके नहीं जाना है, वरना फिर आपके चेहरे का जो हाल होगा वो आप सोच भी नहीं सकते।
मैं डरा नहीं रही, इतना भी बड़ा हाल नहीं होने वाला। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के जाएंगे तो ऑब्वियसली कलर आपके स्किन पे आएगा, और स्किन पे आने की वजह से मेकअप होगा ऑलरेडी आपके चेहरे पे, तो एलर्जी होगा एंड रिएक्ट करेगा मेकअप के साथ। मेकअप करें, बिल्कुल लाइट से मेकअप करें, बट अपने स्किन पे कुछ ऐसा कुछ लगा के ना जाए जो कलर से रिएक्ट कर जाए और आपके चेहरे पे कुछ दाग धब्बे यू नो निकल जाए। मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रही, मैं फिर से कह रही हूँ मैं डरा नहीं रही आपको, मैं बस आपको बता रही हूँ। इतना भी कोई अगर आप लगा के मान लिया चले भी जाते हैं और आपकी स्किन पे कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्किन एक्सपर्ट से बात करें या कुछ होम रेमेडीज है उसे फॉलो करें तो ठीक ज़रूर हो जाता है। बाहर होली खेलने ऐसे कुछ इस तरीके से बाल खोल के तो बिल्कुल भी ना जाएं। अपने बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लें, यानी तेल लगा लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल ले रही हूँ और कुछ इस तरीके से मैं अपने बालों में इसे लगा लूँगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेल लगाना नहीं पसंद है तो बिल्कुल लाइट सा हल्का सा तेल लगा लें। मैं ये नहीं करी बहुत ज़्यादा चंपू बन के जाए, एक प्रोटेक्शन दे दिए अपने बालों को, कुछ इस तरीके से लगा लें ताकि एक लेयर बन जाए, कलर से प्रोटेक्ट हो जाए आपका बाल। तो कुछ इस तरीके से लगा लें बिल्कुल अच्छे तरीके से और उसके बाद बालों को अच्छे तरीके से बांध लें। ध्यान ये रहे कि आप कोई ऐसा हेयर स्टाइल करके ना जाए जिससे और ज़्यादा आपके रूट्स में कलर चले जाए, आपके बालों के अंदर कलर चले जाए। तो जैसे मांग वगैरह निकाल के ना जाए क्योंकि इसमें ज़्यादा खतरा रहता है कि मांग यानी रूट्स में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से बाल को पूरे तरीके से कवर कर लें एंड कवर करने के बाद पॉनीटेल बना लें कुछ इस तरीके से, या बन बना लें, जूड़ा बना लें, जैसे भी चाहें आप बना लें। अब बारी आती है स्किन की, तो स्किन को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप मॉइस्चराइज कर लें, आप अपने स्किन को, अपने फेस को, हैंड को मॉइस्चराइज कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एक चीज़ बच जाता है और वो क्या, आपको अपना ईयर भी प्रोटेक्ट करना है। कैसे? तो ईयर के इस एरिया के आसपास अंदर बाहर भी आपको लगाना है मॉइस्चराइजर, या आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं वहाँ भी आप लगा लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कलर वहाँ भी चढ़ा जाता है, तो इससे आपका ईयर जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब बारी आती है मेकअप की, तो होली खेलने जाने से पहले थोड़ा सा मेकअप तो बनता है, बट हाँ हेवी मेकअप बिल्कुल भी ना करें आप, बिल्कुल लाइट सा मेकअप करें कुछ इस तरीके का। काजल पेंसिल ले लें और आप अपने लोअर लैश लाइन, अपर लैश लाइन पे लगा लें बिल्कुल अच्छे तरीके से, या आप इसका इस्तेमाल एज आईलाइनर के रूप में भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से लगा लें। हाँ मस्करा लगा सकते हैं अगर वाटरप्रूफ है तो लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी आप काजल पेंसिल लगा के ही जाएं होली खेलने। उसके बाद लिपस्टिक की बारी है, लिपस्टिक आप अपने कलर का जो आपको पसंद है वो आप लगा लें तो अच्छा रहेगा, आपको जो पसंद है वो लगा सकते हैं। तो अब तैयारी होली खेलने की। उसके बाद हाँ एक मिनट एक चीज़ तो बच ही जाता है, वो है नेल्स। अगर आपके बड़े नेल्स हैं तो आप नेल पेंट लगा लें, या छोटे नेल्स हैं दोनों में तो आपको लगाना ही नेल पेंट क्योंकि कलर से प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बड़े नेल्स हैं तो आप अंदर के एरिया में, बाहर के एरिया में वैसलीन का लेयर ज़रूर लगा लें, वैसलीन से प्रोटेक्ट कर लें अपने नेल्स को कुछ इस तरीके से। हाँ अगर मेरी तरह छोटे नेल्स हैं तो भी अच्छे तरीके से लगा लें, अंदर बाहर बिल्कुल अच्छे तरीके से वैसलीन लगा लें। और लगाने के तुरंत बाद ऐसा नहीं कि लगा लिया और दौड़े होली खेलने, नहीं, लगाने के बाद आपको कुछ देर, कम से कम 5 मिनट वेट करना है कि अच्छे तरीके से वैसे इसमें कवर हो जाए आपके नेल्स में, या फिर जो भी आप कर रहे हैं मॉइस्चराइजर वगैरह फेस पे स्किन पे लगा रहे हैं तो 5 मिनट पहले कम से कम ज़रूर लगाएं। अगर उससे पहले आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, टाइम नहीं है तो 5 मिनट तो कम से कम वेट ही करें। लगा के तुरंत दौड़े नहीं होली खेलने, लगा के थोड़ी देर 5 मिनट वेट करें फिर जाए होली खेलने। तो लोग पूरी तरह से तैयार हो गए मैं होली खेलने के लिए, होली खेलने की तैयारी अब शुरू। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लें और हाइड्रेट रखें अपने आप को, और विश यू अ वेरी हैप्पी होली।